दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि विशाल घने जंगल में एक कौओं का समूह रहता था। वहीं उनके साथ उनका राजा अनमोल भी रहता था। वे सभी कौए जंगल में अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। वहीं पास में ही एक पहाड़ी पर असंख्य गुफाएं थी जहां उल्लू निवास करते थे। साथ ही उनका राजा अर्नव भी वहां निवास करता था और यह बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था। और इसने कौओं को तो अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया था और यह जब तक एक दो कौओं को मार नहीं देता तब तक यह भोजन भी ग्रहण नहीं करता था। कौओं की संख्या में निरंतर कमी को देखकर कौओं के राजा अनमोल बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने इसके समस्या के समाधान के लिए एक सभा आयोजित की गई। और कौओं के सरदार अनमोल ने कहा, दोस्तों आप तो जानते ही हैं हमारी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। हमारा दुश्मन बहुत ही शक्तिशाली है। वह दोस्तों हमारे ऊपर रात को हमला करता है जब हम सोते रहते हैं और हम दिन को उसके ऊपर आक्रमण करने जाते हैं तो वह अपनी गुफाओं में छुप जाता है जिसके कारण हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए मुझे आपकी राय चाहिए। कौओं का राजा अनमोल सभी बुद्धिमान कौओं से अपनी राय पूछता है। तभी एक डरपोक कौआ बोलता है, हमें उन लोगों से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो भी शर्त रखते हैं हमें उन्हें मान लेना चाहिए वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। सभी कौए उसका विरोध करने लगते हैं। तभी एक दूसरा कौआ बोलता है, महाराज हमें तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। शत्रुओं को हम बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तभी तीसरा कौआ बोल पड़ता है, महाराज शत्रु बलवान है, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। चौथा कौआ जो काफी बुद्धिमान था वह यह सबकी दलीलें सुन रहा था और अंत में महाराज उससे पूछते हैं, सेनापति तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपनी राय बताओ। तभी चौथा कौआ बोलता है, महाराज जब शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो हमें छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। तभी कौओं का सरदार उससे पूछता है, कैसी छल नीति। तभी चौथा कौआ महाराज के पास आता है और कहता है, महाराज उल्लू के गुप्तचर हमारी बातें सुन रहे हैं। हमें ऐसा दिखावा करना होगा कि हमें आपस में फूट डल गई है और हम झगड़ा हो रहे हैं। फिर मैं उनके झुंड में शामिल हो जाऊंगा और आप सारे कौओं को लेकर ऋषि मुनियों के आश्रम में चले जाइएगा। कौओं के महाराज ऐसा ही करते हैं। वहीं छुपा हुआ उल्लुओं का गुप्तचर यह सारी बातें सुन लेता है और यह सारी बातें जाकर वह अपने महाराज को बताता है। वह जाकर सारी बात अपने राजा को बताता है। उसकी बातें सुनकर उल्लू के राजा अर्नव को भी यह यकीन रहता है कि कौओं में फूट पड़ गई है, अब वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही उल्लू के राजा अर्नव सोचते हैं कि अगर वह बुद्धिमान कौआ हमारे साथ मिल जाए तो वह अपने साथियों के सारे राज हमें दे देगा जिससे हम उनके राजा को आसानी से पास कर सकते हैं और कौओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर वह उसे अपने साथ मिला लेता है, किंतु उनके मंत्री उन्हें ऐसा काम करने से रोकते हैं और कहते हैं कि शत्रुओं पर विश्वास करना मूर्खता होगी। परंतु उल्लू का राजा अर्णव नहीं मानता, वह उसे अपने साथ मिला लेता है। उल्लू का राजा अर्णव कहता है कि हमारे नए खास दोस्त की खास मेहमान नवाजी किया जाए, परंतु कौआ कहता है कि मुझे आपकी मेहमान नवाजी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपका गुलाम बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं बाहर ही पहरा देता रहूँगा ताकि आपको कोई चिंता ना हो। उल्लू का राजा कौए की इस बात से बहुत खुश होता है और उसे वहीं छोड़कर सभी अपनी गुफा में चले जाते हैं। जब वह बुद्धिमान कौआ उल्लू के राजा को पूर्ण रूप से विश्वास दिला देता है कि वह उन्हीं के साथ मिला हुआ है, तब उल्लू के राजा निश्चिंत होकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। तभी वह कौआ उड़कर अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है और उन्हें पूरी अपनी जानकारी दे देता है। और वह बुद्धिमान कौआ अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाता है कि उनको अभी आक्रमण किया जाए तो हम उन्हें हरा सकते हैं।
और फिर सारे कौवे उन पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर सारे कौवे मिलकर अंत में उन उल्लुओं को वहां से मार कर भगा देते हैं। तो दोस्तों, इससे हमसे क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है, चाहे दोस्तों दुश्मन कितने भी हमसे झूठ क्यों ना बोले, दोस्तों हमें कभी भी अपने घर पे दुश्मनों को आश्रय नहीं देना चाहिए।